मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवी द्वारा अपना 16वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री रामलाल मारकंडा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों ने हिमाचली व पंजाबी लोकगीतों व लोक नृत्य के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, साक्षरता व नशे के खिलाफ नाटकों की शानदार प्रस्तुतियाँ दी। हिमाचली संस्कृति को समर्पित मिनर्वा सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमारवी द्वारा अपना 16वां वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के जनजातीय विकास और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रामलाल मारकंडा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं घुमारवी से विधायक राजेंद्र गर्ग बतौर विशेष अतिथि मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने हिमाचल व पंजाब की संस्कृति को शानदार रूप से लोकगीतों और लोक नृत्य के रूप में पेश किया। कार्यक्रम के दौरान किन्नौरी नाठी की प्रस्तुति ने मुख्य अतिथि रामलाल मारकंडा को भाव विभोर कर दिया, जिसके बाद वे स्टेज पर किन्नौरी कलाकारों के साथ नृत्य करते दिखाई दिए। कार्यक्रम में स्कूल के प्रिंसिपल प्रवेश चंदेल ने स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी। मिनर्वा स्कूल के प्रिंसिपल प्रवेश चंदेल ने बताया कि वार्षिक समारोह का मुख्य उद्देश्य हिमाचली संस्कृति को एक मंच के माध्यम से अभिभावकों को दिखाना है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में बेटी है अनमोल, साक्षरता और नशे के दुष्प्रभाव को लेकर छात्रों ने युवा पीढ़ी को नाटक के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया है। 9th से लेकर प्लस 2 तक के बच्चों का जो डिफरेंट एरियाज में, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो कल्चर है या एकेडमिक फील्ड में है, उसमें जो प्राइजेस थे वो आज यहाँ बांटे गए। सबसे पहले तो जो मेन हमारा प्राइज था वो था जो 10th और प्लस 2 के बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट में हमारे 10 बच्चों ने बोर्ड की टॉप 10 पोजीशन में जगह बनाई थी दोनों क्लासेज में, वो 10 बच्चे थे। और साथ ही हमारे NIT हमीरपुर में 10 बच्चे इस सेशन में, पिछले सेशन में सेलेक्ट हुए हैं, उनको हमने प्राइज यहाँ पे हमारे चीफ गेस्ट महोदय ने प्राइज दिया। और साथ साथ MBBS में गवर्नमेंट कॉलेजेस में, चाहे वो शिमला, टांडा या नाहन और चंबा सुंदरनगर वाले हैं, उनमें हमारे 10 बच्चे सेलेक्ट हुए। और 2 बच्चे हमारे इंडियन आर्मी में और एयरफोर्स में सेलेक्ट हुए हैं एज ए ऑफिसर। तो उन सभी बच्चों को, और साथ ही साथ स्पोर्ट्स और दूसरे एक्टिविटीज़ में जो बच्चों ने पूरे साल में डिफरेंट एरियाज में पार्टिसिपेट किया था, तो उसके प्राइजेस आज हमारे यहाँ बांटे गए। इस मौके पर मुख्य अतिथि रामलाल मारकंडा ने स्कूल प्रबंधन और विद्यार्थियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कई कार्य किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एकलव्य स्कूल पूरे हिमाचल प्रदेश के 12 के जिले में खुलेंगे, ताकि शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। और जहाँ तक शिक्षा की बात है, स्पोर्ट्समैन के लिए 3% कोटा जो के लिए रखा है, आपके स्कूल से निकले मोती एक नया योजना शुरू किया गया, इसके इस बार शिक्षा में लगभग 18% शिक्षा में बजट का बढ़ोतरी किया है। हमारी सरकार ये चाहती है कि ये शिक्षा का बढ़ोतरी हो, और जो है जिस तरह से पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लोग जो है, जो बच्चे हमारे ड्रग्स में इंडल्ज हो रहे हैं, हम चाहते हैं ये ड्रग्स से दूर रखा जाए। इसमें हम चाहते हैं शिक्षा का स्तर बढ़े और ड्रग्स से बच्चों को दूर रखा जाए। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से विजय भारद्वाज की रिपोर्ट।